आज ठंडा ज्यादा नहीं है, मगर आग तापना अच्छा लग रहा है। सर्दी तो धीरे धीरे बढ़ेगी भैया, सुना है इस साल सर्दी अपना सारा रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब पहले जैसी सर्दी कहाँ, मौसम तो रोज रोज बदल रहा है। अब ना पहले जैसा बरसात और ना गर्मी, ठंडा को तो पूछो ही मत। ठीके बोला। हम लोग भी आग तापी चाचा। हाँ चाचा, बहुत ठंडा है। तुम लोग को भी ठंडा लगता है? तुम्हारी उम्र के जब हम लोग थे तो एक बनियान में पूरा ठंडा काट लेते थे। चाचा, चाचा के पास तो बचपन की बहुत सारी अद्भुत कहानियां हैं, और वो जब सुनाना शुरू करते हैं ना, रात कब पार हो जाती है पता ही नहीं चलता है। भैया आज बहुत देर बताया रे भैया, रास्ता में साइकिल खराब हो गया, ठोक के किसी तरह ठीक किया, कुछ दूर चले तो साइकिल पंचर हो गया, आज का तो पूरा दिन ही साला खराब हो गया। कोई बात नहीं है बेटा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। अब का खाक ठीक होगा चाचा, इसी आस में तो आधा जिंदगी पार हो गया। हाँ भैया, हम लोग तो आस लगा कर जिंदगी जी लेते हैं, अस्वर का आस लगा के मर जाते हैं। भैया वो कहाँ है, कौन आ रहा है? इनको यहाँ लाओ, यहाँ लाओ। हाँ हाँ, तुम बैठा बैठा बैठा। पढ़ा लिखा जान पड़ता। कौन हो भैया, कहाँ से आया हो? कहाँ से आया? अरे तुमको तो बहुत चोटें लगी, सिखवा भैया कोई दवाई वाई का डब्बा है? अरे हाँ, बेटवा का तबीयत खराब हुआ था तो सरकारी अस्पताल से बोलू दवाई लाया। अरे बेटवा, रुकमनिया से जाके बोल तो ताकी पर रखा हुआ है दवाई, ले आओ तो। हाँ, लेकर के आओ। हाँ, लाया चाचा। आप भी चाचा उजडू बोलते हो? अरे तुम्हारे बेटवा का जब चोट लगा था तो 3 कोस दूर सरकारी हॉस्पिटल में लाइन लगाकर दवा हम ही लाए थे। हाँ बाबा, तुम ही लाए थे। अब खुश? पानी पियोगे? अरे बेटवा जाओ जरा पानी लेकर के आओ जल्दी। अब अपने बारे में कुछ बताओ, यहाँ कोई पहचान वाला है क्या? जी, मेरा इस गांव से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ कोई मेरा जान पहचान का नहीं है। तो मैं दिल्ली जा रहा था इंटरव्यू के लिए, आपसे स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मैं पानी लेने के लिए उतरा और ट्रेन चल पड़ी। मैं पकड़ने गया तो गिर पड़ा और अब तो तुम्हारा सामान ट्रेन में छूट गया होगा। दूर गुरबक, सामान लेके में कोई पानी नहीं जाता है। हम तो अपना सामान अपना साथ। अरे रघु भैया तो अपना सामान संडास में भी साथ ले जाते हैं। हाँ ये लीजिए दवाई। हाँ तो तुम क्या बता रहे थे? स्टेशन बाबू से पता किया तो अब ट्रेन कल है तो मैं गांव में चला आया, शायद
रात काटने का कोई गुजारा हो जाए। ठीक क्या भैया, हम लोग कोई इंतजाम कर देंगे। हाँ भाई, तुम आराम से रात यहाँ गुजार सकते हो। आप लोग तकलीफ ना करें, मैं इस अलाव के साथ रात गुजार लूंगा। अरे बेटा, खाने को कुछ मंगवा देते हैं। अरे बेटा, खाने का कुछ लिया हो तो, और साथ में एक कंबल भी लेते आना। अच्छा भैया, संकोच मत करो, बिस्कुट खाओ, मगर रात में ठंड बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा होता कि तुम घर पे आराम करते। ये आप लोगों ने इतना कर दिया, बहुत, सिर्फ 2-4 घंटे की तो ये बात। क्या बेटा, तुम्हारी मर्जी। अरे कुछ और लकड़ियां ला कर रख दो, रात होने पर अलाव फड़का लेना। हम लोग अब चलते हैं, हम लोगों के भी सोने का समय हो गया। ये लीजिए भैया, और ये खा लीजिए। नहीं नहीं, ये तो मर गया। चाचा, चाचा ने कितना समझाया लेकिन ये ना माना। लगता है कि ठंड में अकड़ के मर गया। आहा, एकदम जवान आदमी था बेचारा। अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब तो पुलिस को सूचना करना होगा। ए मंगुआ, हाँ चाचा, जा 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 पुलिस को खबर कर, जा दरोगा को बुलाओ। दरोगा बाबू को तो ट्रांसफर हो गया है, कोई कोई महिला इंस्पेक्टर आई है। ये तो बहुत बुरा हुआ। जैसी भगवान की मर्जी। चाचा, हम लोग तो नहीं फंसेंगे ना इसमें। हम लोग इसमें काहे को फंसेंगे। तुम तो झूठ मूठ के डरते हो और हमें भी डराते हो। बेगारी का तो कोई काम ही नहीं है, खाली ओल फोल भगते रहता है। लो पुलिस आ गया, सुबह बुलाया शाम को आया। ए हटो 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 सब। आप में से इसे कोई जानता है क्या? इसी गांव का रहने वाला है? नहीं मैडम, गांव का हम लोग का नहीं है। पता नहीं यहाँ कहाँ से आया है रात में, कोई परदेसी है। कल रात में मतलब? मैडम ये बता रहा था कल ट्रेन से इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली जा रहा था। पानी लेने के लिए ट्रेन से उतरा, ट्रेन चल पड़ी और ये गिरकर जख्मी हो गया। और फिर
है।